शत्रुद्र संहिता संपूर्ण हुई। कोटि रुद्र संहिता का आरंभ करें। द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। जो परमेश्वर है निर्विकार, माया से है विश्व आकार, स्वर्ग मोक्ष जिनसे है पाते, योगी जन हृदय में देखते, आधा तन गिरिजा से सोता, उनको नमस्कार में करता, जिनके चितवन कितनी सुंदर, मुख मुस्कान से लगे मनोहर, चंद्रमाती है शोभा देते, तीनों तापों को ही मिटाते, सचिन में जिसका है स्वरूप, प्रकाशित परमानंद रूप, पार्वती भुज पाश से सोते, वे प्रभु सबका मंगल करते, ऋषि सूत जी से ये कहते, शिवलिंग महिमा सुनना चाहते, शिव महिमा से तृप्त न हो रहे, बार बार वही सुनना चाह रहे, शिवलिंगों का वर्णन कीजिए, हमको फिर आनंदित करिए, सूत जी ने ऋषियों को बताया, सबके हित के लिए बताया, सब कुछ लिंग प्रतिष्ठित है ये, सारे तीर्थ इसी में है ये, ऐसे शिवलिंगों की कोई गणना नहीं, फिर भी वर्णन मैं करूं चाहे थोड़ा सही। जो भी दृश्य वर्णन करते, देखते सुनते स्मरण करते, वह तो सब शिव का स्वरूप है, कोई वस्तु नहीं भिन्न रूप है, जहाँ जिसने भी याद किया है, लिंग रूप अवतार लिया है, सबके हित में लिंग स्वरूप की, स्वयं ही शिव ने कल्पना की थी, लिंग रूप में सब लोगों को व्याप्त किया है शिव ने उनको, जो शिवलिंग की पूजा करता, सिद्धि वही प्राप्त कर लेता। कुछ लिंगों के नाम बताऊं, उनकी महिमा तुम्हें सुनाऊं, सौराष्ट्र में सोमनाथ है, श्री शैल मल्लिका अर्जुन है, उज्जैनी में महाकाल है, अमरेश्वर में ओमकार है, काशी में श्री विश्वनाथ है, चिताभूमि में वैद्यनाथ है, डाकिनी में भीमा शंकर है, हिमालय पे केदारनाथ है, दारुक वन में श्री नागेश्वर, सेतु बंध में श्री रामेश्वर, गोदावरी के तट पर है श्री त्र्यंबकेश्वर, और शिवालय में स्थिति श्री शिव घुष्मेश्वर। प्रातः काल जब कोई उठता, इन नामों के पाठ को करता, मुक्त पाप से वह हो जाता, सब सिद्धियों के फल को पाता, जैसा मनोरथ जो कोई रखता, निश्चित उसको पूरा करता, हो निष्काम जो पाठ करेंगे, गर्भ में नहीं निवास करेंगे, जो इनका नैवेद्य खाते, पाप तो उनके भी जल जाते, अब इन पे उपलिंग समझाऊं,
ध्यान से सुनना तुम्हें बताऊं, सोमनाथ का अंतकेश्वर है, मही नदी सिंधु संगम पर है, मल्लिकार्जुन रुद्रेश्वर है, प्रभु कक्ष में वो स्थित है, महाकाल के दुग्धेश्वर है, दूधनाथ से जो प्रसिद्ध है, नर्मदा के तट पर स्थित है, सब पापों के ये नाशक है, ओंकारेश्वर के कर्दमेश्वर, बिंदु सरोवर के हैं तट पर, केदारेश्वर के भूतेश्वर, जो स्थित है यमुना तट पर, भीमा शंकर के उपलिंगे भीमेश्वर भगवान स्थित सह पर्वत पर है, बल के दाता महान पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। नागेश्वर के भूतेश्वर है, मल्लिका सरस्वती तट पर है, रामेश्वर के गुप्तेश्वर है, घुष्मेश्वर के व्याघ्रेश्वर है, जो भी इनके दर्शन पाता सभी फलों के ये फलदाता। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अत्रेश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि के तपोवन में नित्य निवास करने की कथा। काशीपुरी है गंगा तट पर, शिव शंकर का निवास वहाँ पर, अब कुछ शिवलिंग तुम्हें बताऊं, मुनीश्वरों में नाम गिनाऊं, काशी में कृतिवासेश्वर, दशाश्वमेघ वतिलमांडेश्वर, गंगा सागर आदि में जो खास खास बतलाऊं मैं वो, संगमेश्वर और भूतेश्वर जी, नारीश्वर और पूरेश्वर जी, सिद्धिनाथेश्वर और बटकेश्वर, वैद्यनाथ और श्री दूरेश्वर, शंगेश्वर जी, जप्येश्वर जी, गोपेश्वर जी, रंगेश्वर जी, वामेश्वर और श्री नागेश, विमलेश्वर और श्री कामेश, और प्रयाग के भारद्वाजेश्वर, ब्रह्मेश्वर और श्री सोमेश्वर, प्रयाग के ही शूल टंकेश और श्री माधवेश, और अयोध्या के प्रसिद्ध शिवलिंग है नागेश। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। अत्रीश्वर की कथा बताई, अनसुईया की महिमा सुनाई, अनसुईया पर कृपा दिखाई, इसीलिए गंगा वह आई, गंगा बोली अनसुईया से, एक बात मेरी सुनो प्रेम से, पति सेवा और शिव भक्ति को एक वर्ष की मुझको दे दो, एक वर्ष का फल यदि पाऊं तो मैं सदा यहीं रह जाऊं, पतिव्रता का दर्शन करती मुझको जो प्रसन्नता मिलती, ऐसी मैं कहीं और न पाती, तुमसे सत्य बताऊं मैं सती, पतिव्रता के दर्श जो पाता अपने सारे पाप मिटाता, पतिव्रता तो धन्य है होती, पार्वती सी पवित्र होती, अनसुईया ने विचार किया, एक वर्ष का पुण्य दे दिया, ऐसा देख शिव प्रसन्न हो गए, तुरंत वहीं पर प्रकट हो गए, अनसुईया से बोले शंकर, पतिव्रता मांगो कोई वर,
अनसुयात्री ने बड़ा अचंभा किया, हाथ जोड़ विनती करी, शिव पूजन भी किया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि आप प्रसन्न हैं भगवन, अपना निवास बनाओ तपोवन, गंगा शिव दोनों खुश हो गए और वहीं प्रतिष्ठित हो गए। शिव का नाम अत्रीश्वर हो गया, मुनि आदि का कल्याण हो गया। ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा, एक असुर से उसके धर्म की रक्षा करके उसके आश्रम में नंदीकेश नाम से निवास करना और वर्ष में एक दिन गंगा का भी वहां आना। ऋषियों ने जिज्ञासा बताई, गंगा नर्मदा में कैसे आई, इसका हमको भेद बताओ, नंदीकेश्वर की कथा सुनाओ। ऋषिका एक द्विज की पत्नी थी, शिव की तपस्या में बैठी थी, ब्रह्मचर्य पालन करती थी, बाल उम्र में विधवा हुई थी। तब एक असुर मूढ़ वहां आया, उसके रूप पर दुष्टि लुभाया, उसकी इच्छा काम भाव थी, लेकिन वह तो तपोनिष्ठ थी। फिर राक्षस ने क्रोध दिखाया, अपना रूप फिर विकट बनाया, फिर दुर्वचन वे कहने लग गया, उसे त्रास वो देने लग गया। ऋषिका उसे देख घबराई, शिव ही शिव आवाज लगाई, शिव ने उसे फिर दर्शन दिया, दुष्ट को तुरंत भस्म कर दिया। आनंदित फिर ऋषिका हो गई, शिव की स्तुति करने लग गई, दीन दयालु भक्त हितकारी, मेरी धर्म की ना उबारी। शरणागत वत्सल प्रभु, दीन बंधु भगवान, असुर से रक्षा की है मेरी, जय जय कृपा निधान। बोले शिव तब प्रसन्न होकर, मांगो मांगो कोई भी वर, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनिए, अपनी भक्ति मुझे दीजिए, जग उपकार को प्रार्थना स्वामी, यही स्थित हो अंतर्यामी। शिव ने उसे वरदान दे दिए, हरि ब्रह्मा भी तब वहां आ गए, आकर शिव की स्तुति की थी, गंगा जी भी हर्षित हुई थी। ऋषिका के भाग्य को सराहा, एक वचन ऋषिका से चाहा, एक दिन यहाँ बैसाख मास का, मैं भी चाहूँ यहाँ निवास का। ऋषिका सुनकर प्रसन्न हुई थी, ऐसा ही हो ये हाँ की थी। शिव उस पार्थिव लिंग में समा गए, सब वहाँ पर आनंदित हो गए, नंदीकेश के नाम से शंकर हुए विख्यात नर्मदा तट पर। जब बैसाख सप्तमी होती, गंगा जी भी वहाँ पर आती, आकर उन पापों को धोती, जिनको मनुष्यों से भी लेती। धन्य ऋषिका हो गई शिव की कृपा पा, उत्तम पावन तीर्थ फिर वो स्थान हुआ। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के,
प्रादुर्भाव की कथा और उसकी महिमा का वर्णन। कपिला के कालेश्वर जी की और श्री रामेश्वर जी की, गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की और महाबल नामक शिवलिंग की। सूत जी ने उनको समझाया, उनके महात्म्य को बताया, फिर ऋषियों ने निवेदन किया, ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है किया। पहले सोमनाथ समझाऊं, ध्यान से सुनना तुम्हें सुनाऊं। 27 कन्याएं दक्ष की चंद्रमा के संग ब्याही थी, लेकिन रोहिणी नाम की जो थी सबसे प्रिय वही पत्नी थी। अन्य 26 को ये नहीं भाया, अपने पिता को दुख बतलाया। दक्ष चंद्रमा पर फिर आए, बड़े प्यार से वे समझाए, प्रजापति तो वापिस आए, पर चंद्रमा समझ न पाए। फिर भी रोहिणी को ही चाहते और किसी से प्रेम न करते, दक्ष दुखी हो फिर वहाँ आए, चंद्रमा को वचन सुनाए। दक्ष ने आकर क्रोध में ऐसा शाप दिया, आपको एक ही क्षण भर में क्षय का रोग हो जाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। क्षय का रोग फिर उसको हो गया, हाहाकार सब और मच गया। ऋषि देव सब दुख से भर गए, सब ब्रह्मा की शरण पहुँच गए। ब्रह्मा ने उनको समझाया, उत्तम एक उपाय बताया, क्षेत्र प्रभास में चंद्रमा जाए, देवों को भी संग ले जाए, मृत्युंजय का वहाँ जाप करें, विधि पूर्वक अनुष्ठान करें, शिवलिंग की स्थापना करें, नित्य शिव की तपस्या वो करें। इससे शिव प्रसन्न तब होंगे, छह से रहित इन्हें कर देंगे। चंद्रदेव ने ये ही किया, शिव जी को प्रसन्न कर लिया। चंद्र के तप से प्रसन्न होकर महादेव बोले, वहाँ आकर जो मांगोगे वही वर दूंगा, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। स्वामी ये वरदान दीजिए, मेरे क्षय को दूर कीजिए, और प्रभु ये कृपा करना, माफ मेरी भूलों को करना। चंद्रदेव एक पक्ष में कला क्षीण हो जाए, और दूसरे पक्ष में वो बढ़ती ही जाए। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव की स्तुति करने लग गए, निराकार साकार हो गए, फिर तो चंद्रमा के नाम पर शिव कहलाए वहाँ सोमेश्वर। सोमनाथ जो पूजन करता, छह और कोड़ से मुक्ति पाता, सभी देवताओं ने मिलकर वहाँ सोम स्थापना कर। जो भी इसमें जाके नहाता, पापों से मुक्ति वो पाता। 6 महीने स्नान जो करते, उनके असाध्य रोग भी मिटते। जो इस कथा को सुनता सुनाता, सब पापों से मुक्ति को पाता।
मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। मल्लिकार्जुन कथा सुनाऊं, प्रादुर्भाव तुम्हें बतलाऊं, भूखे कार्तिके परिक्रमा करके फिर आए परिक्रमा करके। बात गणेश विवाह की सुनकर चले गए वे क्रौच पर्वत पर, पार्वती शिव वहां पहुंच गए, कार्तिकेय फिर भी नहीं आए। वहां से बारह कोस चले गए, शिव भी वहां प्रतिष्ठित हो गए। पुत्र स्नेह से आतुर होके अपने पुत्र को यहां देखने, शिवा व शिव आया करते हैं, शिव जी अमावस को आते हैं, पूरन मास को श्री पार्वती निश्चय ही यहाँ पर है आती। मल्लिका पार्वती को कहते, अर्जुन श्री शिव जी कहलाते, जो भी इसके दर्शन करता मनोवांछित फल को है पाता। महाकाल का वर्णन सुनाऊं, प्रादुर्भाव तुम्हें समझाऊं, नाम अवंती एक नगरी है, बड़ी ही पावन परमपुरी है। एक सदाचारी वहां वेद प्रिय रहते, पार्थिव शिवलिंग को बना नित्य पूजा करते। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। वे तो शिव के परम भक्त थे, ऐसे ही चारों उनके पुत्र थे, प्रिय मेघा और सुकृत थे, देव प्रिय और श्री सुव्रत थे। सब सुख पाया वेद प्रिय ने, सदगति पाई थी फिर उसने। दूषण नाम का एक असुर था, ब्रह्मा जी से वर पाया था। एक बार उज्जैन नगर पर किया आक्रमण सेना लेकर, नगर के लोग थे भय से भर गए, चारों शिव के ध्यान में लग गए। इतने में वहां दानव आया, आकर उसने शोर मचाया, उनमें से कोई सुन नहीं पाया, दुष्ट ने उन्हें मारना चाहा। तभी भयंकर एक शोर हुआ, गड्ढा एक वहां प्रकट हुआ, उसमें से शिव शंकर आए, महाकाल से विख्यात कहलाए। उन दैत्यों को दंड ये दिया, सेना सहित भस्म कर दिया। जो सूर्य अंधकार मिटाता, ऐसे ही दुष्टों का नाश हुआ था। वर्षा फूलों की हुई, सबने खुशी मनाई, सभी असुर मारे गए, दुंदुभि देव बजाई। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर चारों से बोले शंकर, अब तुम मांगो मन चाहा वर। उन्होंने शिव को शीश झुकाए, फिर प्रभु को ये वचन सुनाए। महादेव अब कृपा कीजिए, हमको दयालु मोक्ष दीजिए, जन साधारण रक्षा के लिए दीन दयालु यहीं पर रहिए। चारों भाई मोक्ष को पा गए, शिव जी वहीं पर स्थित हो गए। महाकालेश्वर पर जो जाते, सपने में भी दुख नहीं पाते, जो भी इनकी उपासना करता, भोग मोक्ष सब उसको मिलता।
महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। महाकाल का महात्म्य बताऊं, आदर पूर्वक सुनो सुनाओ। श्री चंद्रसेन एक राजा थे, उज्जैनी में राज करते थे। वे शास्त्रों के तत्वज्ञ थे, शिव के भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षद मणि भद्र थे, चंद्रसेन के प्रिय सखा थे। महामणि एक चिंतामणि को मणिभद्र ने दे दी सखा को। सूर्य जैसी वो तेजवान करती थी मंगल प्रदान। राजा कंठ में धारण करते, सिंहासन पर फिर वे बैठते। अन्य सब राजा ये सुन कर मन में उसका लालच कर आपस में मिल सारे आए। चतुरंगी सेना संग लाए, उज्जैनी को घेर लिया था। सबने मिलकर हमला किया था, समाचार राजा ने पाए। महाकाल की शरण वे आए, राजा फिर लग गए पूजन में। ग्वालिने के आई मंदिर में, पांच वर्ष का एक बालक ग्वालिन संग में लाई। फिर शिव को प्रणाम कर अपने घर को आई। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। बालक ने राजा की पूजा बड़े ध्यान से उसने देखा। जब माँ के संग घर को आया, मन शिव के पूजन को बनाया। एक सुंदर सा पत्थर लाया, फिर एकांत में उसे जमाया। धूप दीप और फूल जुटाए, मन कल्पित नैवेद्य चढ़ाए। बार बार शिव पूजन किया, मस्तक चरणों में रख दिया। जब भोजन का समय हो आया, माता ने निज पुत्र बुलाया। उसका पुत्र नहीं सुन पाया, शिव के ध्यान में बैठा पाया। बाह खींच कर उठाना चाहा, फिर भी पुत्र नहीं उठ पाया। फिर वह ग्वालिन रोश में भर गई, उसकी पिटाई करने लग गई। फिर भी पुत्र नहीं उठ पाया, उसने शिवलिंग दूर भगाया। पूजा सामग्री को हटाया, बालक हाय हाय चिल्लाया। शिव को पुकारा फिर रो रो कर, सहसा गिर गया मूर्छित होकर। जब उसकी आंखें खुली, मंदिर बन गया। पूरी तरह सुसज्जित देख उठ के खड़ा हुआ। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शिव चरणों में शीश झुकाया, पूजा सामग्री को पाया। बड़ा चंबा मन में छाया, शिव मंदिर से बाहर आया। अपने शिविर की ओर वो गया, इंद्र भवन सा उसको पाया। सब प्रकार के वहाँ साधन थे, कनक रत्न मणि घर में जड़े थे। जब वह घर में अंदर आया, दिव्य पलंग पर माँ को पाया। पुत्र ने निज माता को जगाया, माँ को बड़ा अचंभा आया। बेटे
बेटे ने वृतांत सुनाया, माँ ने पुत्र छाती से लगाया, माँ ने सब राजा को बताया। चंद्रसेन वहाँ स्वयं ही आया, राजा ने शिव कीर्तन किया, बालक को हृदय से लिया, सबने शिव का कीर्तन गाया, रात को शिव चर्चा में बिताया। आक्रमणकारी जो राजा थे उनके गुप्तचर भी तो वहाँ थे, गुप्तचरों ने उन्हें बताया, वहाँ का सब वृतांत सुनाया। बालक भी इस राज्य के शिव के भक्त महान, इस राजा के विरोध में होगा नहीं कल्याण। जय हो पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यदि आक्रमण इस पे करेंगे शिव के क्रोध में सभी जलेंगे, यदि हम मेल मिलाप रखेंगे हर की कृपा प्राप्त करेंगे। सबने फिर हथियार डाल दिए, पैर भाव फिर सभी त्याग दिए, चंद्रसेन की अनुमति लेकर फिर आए नगरी के अंदर। महाकाल का पूजन किया, चंद्रसेन ने स्वागत किया, फिर ग्वालिन के पास में आए, उस बालक के दर्शन पाए, बालक की प्रशंसा की थी, वस्तु बहुत सी भेंट में दी थी। तभी हनुमत वहाँ प्रकट हो गए, सब राजा उठ खड़े हो गए, सबने उनको शीश झुकाया, मध्य में उनका आसन लगाया, वह बालक हृदय से लगाया, सबको सच्चा ज्ञान सुनाया। शिव ही दयालु सुख के दाता, भक्त भोग और मोक्ष को पाता, इस बालक ने करके दिखाया, बिना मंत्र के शिव को पाया। इस बालक ने शिव जी का बस पूजन ही किया, राजा की पूजा को देख शिव से प्रेम किया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। यह इस लोक में सुख भोगेगा, अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा, इसके वंश में नंद आएंगे, जो नारायण को पाएंगे, पुत्र रूप में कृष्ण जी होंगे, इस जग का कल्याण करेंगे। आज से यह बालक जो होगा श्री कर नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हनुमान ने फिर बालक को शिव भक्ति समझाई, उसको जितने भी राजा बैठे थे सभी प्रेम से फिर देखे थे। चंद्रसेन नृप और श्रीकर से बजरंगी ने विदा ली उनसे, हनुमत अंतर ध्यान हो गए, राजा प्रेम से सभी लौट गए। जो महाकाल की पूजा करता भोग मोक्ष दोनों को पाता। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। सूत जी चौथे लिंग को बताओ, प्रादुर्भाव की कथा सुनाओ। एक बार मुनि नारद आकर गौकर्ण शिव के पास में जाकर उनकी सेवा करने लग गए, कुछ काल रह कर वहां से चल दिए। फिर गिरिराज विंध्य पर आए, विंध्य ने आदर से बुलाए,
देवर्षि का पूजन करके बोला उनके सामने आके, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। नारद गर्व की बातें सुनकर चुप रहे, लंबी सांस खींच कर, कोई कमी क्या देखी तुमने, लंबी सांस जो खींची आपने। नारद जी ने उसे समझाया, मेरु पर्वत ध्यान दिलाया, वो तो तुमसे बहुत है ऊंचा, देवलोक तक भी है पहुंचा। देवर्षि फिर वहां से आ गए, विंध्य पर्वत अति दुखी हो गए। उसने फिर ये निर्णय लिया, शिव भक्ति का निश्चय किया, एक जगह ही बैठ कर अब चल किया ध्यान, ऐसे तप को देख कर आए शिव भगवान। शिव जी बोले प्रसन्न होकर, मनोवांछित मांगो तुम वर, यदि आप प्रसन्न है स्वामी, अभिष्ट बुद्धि दो अंतर्यामी। हाँ कहकर शंभु मुस्काए, सुर और ऋषि वहाँ पर आए, फिर शिव जी का पूजन किया, उनसे एक निवेदन किया, यहीं रहो प्रभो स्थिर रूप से। सहमत हो गए फिर शिव जी उनसे, वहाँ जो एक ओंकार लिंग था, दो रूपों में विभक्त हुआ था, जो प्रणव में सदा शिव जी थे, ओंकार से ख्यात हुए थे, जो पार्थिव मूर्ति ज्योति थी, परमेश्वर की संज्ञा हुई थी। सबने उनका पूजन किया, फिर निज धाम को गमन था किया, विंध्याचल ने भी सुख पाया, अपना मानसिक ताप मिटाया। जो शंभु का पूजन करता, माँ के गर्भ में फिर नहीं रहता। केदारेश्वर तथा भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनके महात्म्य का वर्णन। श्री हरि के दो अवतार हैं, नर नारायण उनके नाम हैं, पार्थिव लिंग पूजा करते थे, शिव उस लिंग में नित्य आते थे। एक दिन बोले श्री शिव शंकर, मैं प्रसन्न हूँ, मांगो कोई वर, हमको प्रभु ये वर है चाहिए, इस लिंग में स्थित हो जाइए, फिर सभी के हित के लिए ज्योतिर्लिंग बन स्थित किए, केदारेश्वर वे कहलाए, भक्तों के दुख दर्द मिटाए। जो भी इनका पूजन करता, सपने में भी दुख नहीं मिलता, केदारेश्वर शिव स्वरूप का और नर नारायण के रूप का। जो कोई दर्शन पाता है, मोक्ष का भागी हो जाता है, केदारेश्वर जो भी जाते, मार्ग में किसी कारण मर जाते, वे भी धन्य हो जाते हैं और मोक्ष को पा जाते हैं। अब मैं भीम शंकर समझाऊं, उनका आविर्भाव बताऊं। पूर्व काल में पराक्रमी भीम राक्षस था, उसकी माता कर्कटी, पिता कुंभकर्ण था। सह
पर्वत पर वो था रहता, भीम और संग उसकी माता। एक दिन बोला माँ समझाओ, मेरे पिता का नाम बताओ। सुनो पुत्र जो कुंभकर्ण थे और रावण के छोटे भ्रात थे, राम के हाथों मारे गए थे। सुनो भीम वे तेरे पिता थे, करकट मेरे पितु का नाम था, पुष्कसी मेरी माँ का नाम था। श्री विराट जी मेरे पति थे, श्री राम ने जो मारे थे। अपने पति के मर जाने पर मेरे ही पिता के घर में आकर, एक दिन मेरे मात पिता ने सुतीक्ष्ण को आहार बनाने, उसके पास में गमन किया था। मुनि ने उसको भस्म किया था, तब से अकेली ही मैं रहती, मैं असहाय यहाँ दुख सहती। एक दिन कुंभकर्ण यहाँ आए, मुझसे बलात् संबंध बनाए, उसी से आपका जन्म हुआ है, ये सब मेरे साथ गुजरा है। सुन के माता के वचन निश्चर्य कुपित हुआ, श्री हरि के कारण ही ये सब कष्ट हुआ। मैं ऐसा बर्ताव करूंगा, श्री हरि को पीड़ा दूंगा। फिर ब्रह्मा के ध्यान में लग गया, 1000 वर्ष तप किया। ब्रह्मा आए प्रसन्न होकर, मांगो भी कोई तुम तो वर, ब्रह्मदेव ये कृपा कीजिए, अतुलनीय बल मुझको दीजिए। ऐसा कहकर नमन किया था, ब्रह्मा ने वर उसको दिया था। ब्रह्मा अपने धाम चले गए, भीम राक्षस भी घर आ गए। आकर माँ को शीश झुकाया, फिर सारा वृतांत सुनाया। सब देवों को अब मारूंगा, विष्णु को भी संहारूंगा। फिर देवों पर आक्रमण किया, सबको जीत कर बाहर भगा दिया। श्री हरि को भी हरा दिया था, भूख को जीतना शुरू किया था। राजा सुदक्षिण शिव के भक्त थे, कामरूप के वे राजा थे। पहले उन पर आक्रमण किया, भीम असुर ने उन्हें हरा दिया। उस राजा को कैद कर लिया, तन्हाई में उसे डाल दिया। राजा ने पार्थिव लिंग बनाया, शिव पूजन में ध्यान लगाया। गंगा की भी स्तुति वे राजा करते, पंचाक्षरी मंत्र को वो प्रेम से थे जपते। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान। भीम असुर अभिमान में खो गया, सबको सताने में वो लग गया। सबसे कहता मेरी सुन लो, अपना सब कुछ मुझको दे दो। ऋषि देवता पीड़ित हो गए, महाकोशी के तट पे पहुंच गए। सब शिव का आराधन करते और शिव जी की स्तुति करते। राजा रानी भी यहीं पे रहते, हर पल शिव के प्रेम में रहते। फिर शिव जी प्रसन्न हो गए, वे देवों के सम्मुख आ गए। शिव बोले तब प्रसन्न होकर,
मांगो अब तुम कोई भी वर। बोले देव कहें अब क्या स्वामी, सब कुछ जानते हो अंतर्यामी। इतनी कृपा प्रभु कीजिए, भीम असुर को मार दीजिए। शिव बोले एक काम तो करना, राजा सुदक्षिण से ये कहना, शिव के नाम को रटते रहना, इसका नाश अब हुआ समझना। फिर राजा के पास में शिव गए, गुप्त रूप से वहीं पे छिप गए। राजा ने जब बैठ कर शिव का ध्यान किया, तभी गुप्तचर ने ये सब असुर से कह दिया। ऐसी सूचना राक्षस पाकर आया नग्न तलवार को लेकर। पूजा सामग्री को देख कर अपने नाश का प्रयास समझ कर दानव एकदम क्रोध में भर गया। फिर राजा से पूछने लग गया, राजा तू ये सब क्या करता, मैं तो शिव आराधन करता। इतना सुनकर बोलने लग गया, शिव की बुराई करने लग गया। फिर लिंग पर तलवार चलाई, लिंग को तो छू भी नहीं पाई। तभी वहां शिव प्रकट हो गए, दुष्टि से ऐसे कहने लग गए, अपने भक्त की रक्षा करूंगा, अपने व्रत को पूर्ण करूंगा। फिर शिव जी ने त्रिशूल चलाया, उसकी तलवार को काट गिराया। दुष्ट ने फिर त्रिशूल उठाया, शिव ने उसको काट गिराया। युद्ध हुआ दोनों में भारी, शुद्ध हो गई दुनिया सारी। नारद जी फिर वहां पर आए, प्रभु को ऐसे वचन सुनाए। प्रभु तिनके को काटने कुलाड़ा चलाते हो, क्षमा करो प्रभु क्षमा करो, क्यों ना मिटाते हो। फिर शिव ने हुंकार मात्र से जग को छुड़ाया उस पापी से। फिर सारे असुरों को मिटाया, सुर मुनियों को आनंद आया। ऋषि देवों ने फिर विनती की, शिव शंकर की फिर स्तुति की। इतनी कृपा नाथ कीजिए, यही पे स्थित प्रभु होइए। भीम शंकर से विख्यात होंगे, सबके कार्य सिद्ध करेंगे। ये सुन शिव जी प्रसन्न हो गए, और वहीं परिस्थित हो गए। जो भी इनका पूजन करता, भोग मोक्ष अधिकारी बनता। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादन। काशी विश्वेश्वर समझाऊं, उसका आविर्भाव बताऊं। सूजी ने मुनियों को बताया, बड़े प्रेम से उन्हें समझाया। जो भी यहाँ दिखाई देता, सब कुछ ब्रह्म रूप ही होता। सच्चिदानंद व निर्विकार, ब्रह्म सनातन वे निराकार। एक अकेले रहने वाले, अद्वैत भाव में रमने वाले। सगुण रूप रख वे ही आए, वे ही प्रभु शिव कहलाए।
दो रूपों में प्रकट हो गए, एक पुरुष एक स्त्री बन गए। पुरुष तो शिव और स्त्री शक्ति, पुरुष प्रकृति की थी सृष्टि। पुरुष प्रकृति संशय में छाए, मात पिता कहीं निगाह न आए। आकाशवाणी ने समझाया, तप करने का भाव सुझाया। आपके तप से ही सब होगा, सृष्टि का विस्तार होगा। तप के लिए कोई जगह बताओ, हे परमेश्वर तुम समझाओ। शिव ने लंबा पांच कोस नगर बना दिया, सब उपकरणों से सजा वहां पे भेज दिया। नगर हरि के पास पहुंच गया, गगन में जाकर स्थित हो गया। श्री हरि ने वहां पर रह कर कामना सृष्टि की मन में कर। वर्ष अनेकों तपस्या की थी, तन से श्वेत धारा निकली थी। सारा आकाश व्याप्त हुआ था, हरि को स्वयं अचंबा हुआ था। गर्दन श्री विष्णु की हिली थी, उनके कान से मणि गिरी थी। वह स्थान मणिकर्णिका हो गया, तीर्थ बड़ा प्रसिद्ध बन गया। जल की राशि ज्यादा हो गई, पंचक्रोशी बहने लग गई। फिर शिव ने त्रिशूल उठा लिया, नगरी को वहां धारण कर दिया। विष्णु प्रकृति वहां पे सोए, कमल नाभि से प्रकट होए। कमल से ब्रह्मा उत्पन्न है हुए, स्वयं भी देख अचंभित रह गए। फिर शिव जी की आज्ञा पाई, ब्रह्मा ने ये सृष्टि रचाई। शिव ने फिर ये किया विचार, कैसे होगा यहाँ उद्धार। शिव ने सभी के हित में ऐसा निर्णय लिया, पंचक्रोशी काशी को जगत में छोड़ दिया। कर्म बंध को काटने वाली, ज्ञान मोक्ष को देने वाली, अभिमुक्त लिंग यहाँ पर स्वयं ही शिव ने स्थापन कर। शिव ने पिनाक से उतार दिया, इस धरती पे स्थापित कर दिया। विष्णु जी से उनका कहना, काशीपुरी को नहीं छोड़ना। जब ब्रह्मा दिन पूरा होता, सारा जगत प्रलय हो जाता। शिव त्रिशूल पे धारण करते, काशीपुरी को बचा ही लेते। ब्रह्मा फिर से सृष्टि करते, शिव इसको स्थापित करते। यह कर्मों का कर्षण करती, तभी तो यह काशी कहलाती। यहाँ सायुज्य मुक्ति मिलती, यह शंकर को है प्रिय लगती। रुद्र ने शिव को प्रणाम किया, एक निवेदन शिव से किया। इतनी कृपा प्रभु कीजिए, जीवों के हित यहीं पे रहिए। अभिमुक्त ने भी शिव से कहा था, ऐसा निवेदन उनसे किया था। काशीपुरी को आप करें राजधानी स्वीकारे, मुक्तिदाता इसमें है जग का परोपकार। पुराण है मुक्ति कथा, जय हो पार्वती शिव भगवान।
विश्वनाथ सुन प्रसन्न हो गए, विराजमान काशी में हो गए। जब से शिव आए काशी में, सर्वश्रेष्ठ हुई काशी जग में। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महात्म में उमा ने कहा, उमा ने एक बार शिव जी से इनका महात्म्य पूछा उनसे। शिव ने उमा को फिर समझाया, काशी गुहतम क्षेत्र बताया। भिन्न वेशों में भक्त यहाँ रहते, महायोग मेरे लिए करते। महायोग है पाशुपत योग, इससे मिलते मोक्ष व भोग। सब कुछ छोड़ मैं काशी रहता, मैं इसका कारण बतलाता। जो भी भक्त तत्व ज्ञानी होते, वे तो मोक्ष के भागी होते। विहित और अविहित कर्म है, दोनों ही उनको बराबर है। तीर्थ की उनको अपेक्षा नहीं है, जो मैं कहता सत्य यही है। कहीं भी वे मृत्यु को पाते, वे दोनों तो मोक्ष में जाते। काशी में कोई भी मरता, वह निश्चित मुक्ति को पाता। कोई भी स्त्री मर जाए, वह भी निश्चित मोक्ष को पाए। कोई प्राणी भी मर जाए, समझो वही मुक्त हो जाए। नहीं जरूरत यहाँ कोई भक्ति चाहे ज्ञान, नहीं यहाँ आवश्यकता धर्म कर्म या दान। नाम कीर्तन या पूजन की ना ही किसी उच्च जाति की। जो इस क्षेत्र में निवास करता और यहीं पर मृत्यु पाता, वह निश्चित ही मुक्ति पाता। विद्वानों की यही मान्यता, यहाँ पाप कोई भी करता महादंड का भागी होता। जो भी कर्म अधम यहाँ करता, वह तो अधम जन्म ही पाता। जो काशी गंगा में नहाता, कर्म बंध उसका कट जाता। प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता, बिन भोगे वह नष्ट न होता। सूजी ने सबको समझाया, काशी मोक्ष स्थान बताया।